हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी पाठशाला में। सी जी पी एस सी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मई 2024 के करंट अफेयर्स पर। सी जी पी एस सी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जाकर के सी जी पी एस सी ई पाठशाला के छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को हमारे मोबाइल ऐप सी जी बुक्स कार्ट में भी जाकर के छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजी पीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा करंट अफेयर का पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ, पानी के ऊपर तैरता हुआ सोलर प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, ये स्थापित किया जाएगा दुर्ग जिले के भिलाई शहर में। ठीक है, दुर्ग जिले का भिलाई शहर जो कि फेमस है भिलाई स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उपक्रम है भिलाई स्टील प्लांट, और इसी भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ही, बीएसपी के द्वारा ही हमारे छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट या तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया जाएगा मरोदा वन जलाशय के ऊपर। ठीक है, भिलाई में मौजूद है एक जलाशय जिसका नाम है मरोदा वन। मरोदा वन जलाशय के ऊपर 15 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार का संयंत्र होगा। ये अभी आपको दिखाने के लिए ये एक प्रतीकात्मक इमेज है, अभी स्थापित किया नहीं गया है, अभी प्रस्तावित है, स्थापित किया जाएगा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा, पानी के ऊपर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता होगी 15 मेगावाट। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन फुटप्रिंट में सुधार करना। आगे बताऊंगा कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट में सुधार करना। और ये जो आपका जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, इसका इसका कार्यान्वित यानी कि इसकी जो इसका संचालन किया जाएगा एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनएसपीसीएल। ठीक है, ये भिलाई स्टील प्लांट को पावर सप्लाई करता है। ये जो एनएसपीसीएल है ना, ये संयुक्त तो उपक्रम है एनटीपीसी और सेल का, एनटीपीसी और सेल का, जो भिलाई स्टील प्लांट को जो पावर की सप्लाई की जाती है, देखिए वो आपका इस एनटीपीसी और सेल का संयुक्त उपक्रम जिसका नाम है एनएसपीसीएल, ये भी भिलाई मौजूद है एनएसपीसीएल, एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में एनएसपीसीएल, इसके द्वारा इसका कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक, उत्पादन इससे लगभग 34.26 मिलियन यूनिट सालाना विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक साल में 34.26 मिलियन यूनिट सालाना विद्युत का उत्पादन होगा। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर बना था, उस हिसाब से ये हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहां स्थापित हो रहा है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, किस जलाशय के ऊपर स्थापित किया जाएगा, इसकी क्षमता कितनी होगी। ठीक है, विशेष क्या है, इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट के CO2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने का उम्मीद है। जो देखिए कोई भी प्लांट यानी कि भिलाई स्टील प्लांट जो कि आपका स्टील का उत्पादन करता है, स्टील के उत्पादन कोई भी प्लांट चलता है तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, CO2 गैस निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें इस परियोजना से बीएसपी के CO2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन कमी आने का अनुमान है। देखिए अब आप ये बोलेंगे कि एक सोलर प्लांट स्थापित करने से, एक सोलर प्लांट स्थापित करने से भिलाई स्टील प्लांट के CO2 उत्सर्जन में कमी किस प्रकार से आएगी। हर एक प्लांट का CO2 उत्सर्जन करने का एक लिमिट होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन करने का एक लिमिट होता है। यहां पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट दिया जाता है उन्हें,
कार्बन क्रेडिट। अब जैसे कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आता है वो कहाँ से आता है, आपका थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। ताप विद्युत संयंत्र यानी कि कोयले को जला करके बॉयलर के पानी को गर्म किया जाता है, बॉयलर का पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है, टरबाइन की ब्लेड घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें मुख्य रूप से कोयले का दहन किया जा रहा है, कोयले का दहन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। तो यहां पर देखिए, अगर भिलाई स्टील प्लांट ताप विद्युत संयंत्र से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी लेगा तो वहां पर भी कोयले का दहन होगा, वो भी उससे भी निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी भिलाई स्टील प्लांट के कार्बन क्रेडिट में काउंट होता है। तो वो अब स्थापित कर रहा है आपका 15 मेगावाट क्षमता का अपना सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक। तो ये जो है कार्बन क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है, अपने कार्बन क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए। कार्बन क्रेडिट को जाकर थोड़ा नेट में सर्च कीजिएगा, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मरोदा जलाशय का क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किलोमीटर है, इसकी जल भंडारण क्षमता 19 घन मिलीमीटर है। यह है आपका मरोदा जलाशय, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट में सुधार की जो बात की जा रही है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहां दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कार्बन फुटप्रिंट जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयले को जलाया जा रहा है या भिलाई स्टील प्लांट में लोहे को गलाने के लिए जो कोयला जलाया जाता है, कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, उसके दहन से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा पर लोगों की गतिविधियों के प्रभाव का एक माप होता है और इसे कई टन में उत्पादित CO2 उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह होता है कार्बन फुटप्रिंट, और इस कार्बन फुटप्रिंट में सुधार के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जलाशय में स्थापित किया गया है, मरोदा वन जलाशय में। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा। किस जिले में स्थापित किया गया है, दुर्ग जिले के भिलाई शहर में, ठीक है। क्षमता कितनी है, 15 मेगावाट अभी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहेगा ये समुद्र जो आपका जल के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है CCPL, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, साल भर होने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछा जाएगा उसे भी ध्यान देना। CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तर्ज में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है इस साल इसका आयोजन किया जा रहा है। CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, ये जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग है इसमें कुल 6 टीमें शामिल होगी, ठीक है, 6 टीमें इसमें खेलेगी और कुल 18 मैचेस खेले जाएंगे, कुल 18 मैच खेले जाएंगे। और ये CCPL है ये 7 से लेकर के 16 जून के मध्य ये सभी मैचेस खेले जाएंगे, 7 से 16 जून के बीच में। और कहाँ खेला जाएगा, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में है, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा CCPL में कुल कितने क्रिकेट टीम शामिल हुए थे, तो कुल 6 क्रिकेट टीम शामिल हुए। CCPL में क्रिकेट टीमों के मध्य कुल कितने मैचेस खेले गए, कुल 18 मैचेस खेले गए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किस तिथि को हुआ, 7 जून से लेकर के 16 जून के मध्य इस आपके छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। कहाँ खेला गया, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला गया, ठीक है। 6 टीम शामिल हो रहे हैं, 18 मैच खेला जा रहा है, किस डेट से किस डेट के मध्य खेला जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, हर एक डाटा जो है इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो खेला जाएगा उस CCPL के ब्रांड एम्बेसिडर बनाए गए हैं सुरेश रैना, ठीक है, सुरेश रैना ये भी इंपॉर्टेंट है,
इससे भी क्वेश्चन आएगा। सुरेश रैना, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी है ये सुरेश रैना, जिन्हें इस CCPL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो तो इनके चेहरे से परिचित होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखे, वो कम से कम नाम याद रखिए कि सुरेश रैना जो है इस CCPL के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक, इसके अंतर्गत कुल 6 टीमें जो है पार्टिसिपेट करेगी। टीमों का नाम याद रखना है, ठीक है, जैसे कि आप IPL में नाम याद रखते हैं ना, चेन्नई सुपर किंग, आपका राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वैसे छत्तीसगढ़ में जो 6 टीमें CCPL खेलने वाली है उनके नाम को अच्छे से याद रखना। देखिए सबसे पहले किस किस जगह की टीमें इसमें शामिल हो रही है, एक सरगुजा, दूसरा बस्तर, तीसरा राजनांदगांव, चौथा रायगढ़, पांचवा बिलासपुर, छठवा रायपुर। ठीक है, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, पहले तो जगह के नाम याद रखना। ठीक है, सरगुजा से शामिल होने वाली जो क्रिकेट टीम है उनका नाम रखा गया है सरगुजा टाइगर्स। बस्तर से जो टीम शामिल खेलेगी वो उनका नाम है बस्तर बाइसन। ठीक है, बाइसन वन भैसा, बस्तर बाइसन। राजनांदगांव से जो टीम खेलने वाली है राजनांदगांव की तरफ से उनका नाम है राजनांदगांव पैंथर, राजनांदगांव पैंथर। रायगढ़ से जो टीम खेलेगी उनका नाम है आपका रायगढ़ लॉयंस, रायगढ़ लॉयंस। बिलासपुर से जो क्रिकेट टीम बिलासपुर की तरफ से खेलेगी उनका नाम है बिलासपुर बुल्स, बिलासपुर बुल्स। और जो रायपुर की तरफ से जो क्रिकेट टीम खेलेगी उनका नाम है आपका रायपुर राइनो, रायपुर राइनो। ठीक है, नाम अच्छे से याद रखना, केवल जगह के नाम को ही याद नहीं रखना है, उनकी क्रिकेट टीम का भी नाम याद रखना है। पहले तो जगह का नाम याद रखिएगा, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर। ठीक, फिर उनकी क्रिकेट टीम का भी नाम याद रखिएगा, सरगुजा का सरगुजा टाइगर्स, आपके बस्तर का बस्तर बाइसन, राजनांदगांव का राजनांदगांव पैंथर, रायगढ़ का रायगढ़ लॉयंस, बिलासपुर का बिलासपुर बुल्स, बी से बिलासपुर, बी से बुल्स, और आपका रायपुर से आर से रायपुर, आर से रायनो। ठीक है, ऐसे याद रखना, बी से बस्तर, बी से बाइसन। ठीक, ऐसे करके याद रखिएगा। अब ये जो क्रिकेट टीम जो खेल रहे हैं, इन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन कौन है, ये भी सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे कि बिलासपुर बुल्स के जो, ये जो बिलासपुर बुल्स की जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है शशांक सिंह। शशांक सिंह IPL के इस साल के स्टार प्लेयर्स है, जो आपके पंजाब किंग्स टीम है ना, पंजाब किंग्स या किंग्स इलेवन पंजाब, पहले किंग्स इलेवन पंजाब नाम था, अभी शायद पंजाब किंग्स नाम रखा गया है IPL की टीम। तो जो पंजाब किंग्स है उन्होंने इस शशांक सिंह को गलती से खरीदा था, आपको मैंने करंट अफेयर पढ़ाया भी है, जो IPL का ऑक्शन हुआ था, जो IPL की नीलामी हुई थी उसमें इन शशांक सिंह को गलती से आपके पंजाब किंग्स टीम ने खरीद लिया था और उन्होंने काफी शानदार पारी खेली पंजाब टीम की तरफ से और न्यूज में भी बने रहे ये शशांक सिंह। तो बिलासपुर बुल्स की कप्तानी करेंगे शशांक सिंह, रायपुर राइनो की कप्तानी करेंगे आपके अमनदीप खरे, बिलासपुर बाइसन की कप्तानी करेंगे शशांक चंद्राकर। अब देखिए 20 बिलासपुर बुल्स के शशांक सिंह हैं और बस्तर बाइसन के हैं आपके शशांक चंद्राकर। शशांक शशांक से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बिलासपुर बोल रहे हो शशांक सिंह IPL वाले, और बस्तर बाइसन अगर बोला जा रहा है तो शशांक चंद्राकर। रायगढ़ लॉयंस का जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है शुभम अग्रवाल। ठीक है, राजनांदगांव पैंथर्स क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे आपके अजय मंडल, फिर है आपके बस्तर बाइसन। बस्तर बाइसन दो बार हो गया क्या, एक टीम कौन सी छूट रही है आपकी, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा छूट रहा है। ठीक है, सरगुजा जो क्रिकेट टीम है इसकी कप्तानी करेंगे आपके आशुतोष, आशुतोष सिंह, आशुतोष सिंह। ठीक है, नाम याद रखना, बिलासपुर बुल्स के शशांक सिंह, रायपुर रायनो के अमनदीप खरे, बस्तर बाइसन के हैं आपके शशांक चंद्राकर, रायगढ़ लॉयंस के हैं शुभम अग्रवाल, राजनांदगांव पैंथर के हैं अजय मंडल और सरगुजा टाइगर्स के हैं आपके आशुतोष सिंह। तो क्रिकेट टीम और उनके कप्तान के नाम, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, CCPL जिसमें 6 टीमें शामिल हो रही है,
कुल 18 मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है, आपके शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये जो आपका इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है आपके सुरेश रैना, 7 से लेकर के 16 जून के मध्य ये मैचेस आपके खेले जाएंगे। और टीम के कप्तानों के नाम आपको याद रखने हैं, टीम के नाम और टीम के कप्तान दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि CCPL में बस्तर से शामिल होने वाली टीम का नाम क्या था, क्रिकेट टीम का नाम क्या था, उसमें दे देगा आपका बस्तर बुल्स, बस्तर राइनो, बस्तर टाइगर, बस्तर बायसन, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या फिर CCPL में सरगुजा की क्रिकेट टीम का नाम क्या था, सरगुजा लायंस, सरगुजा बुल्स, सरगुजा राइनो, सरगुजा टाइगर, ऐसे ऑप्शन देगा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। उसकी कप्तानी, क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन कर रहे हैं, ये भी नाम याद रखना है। यहाँ शशांक सिंह और शशांक चंद्राकर, इसमें कन्फ्यूज़न होगा, बिलासपुर के शशांक सिंह हैं और शशांक चंद्राकर है बस्तर के, ठीक है, बी बी दोनों जगह बिलासपुर है, ये देखिए एक जगह बिलासपुर है, दोनों जगह बी बी है, बिलासपुर बस्तर, बिलासपुर शशांक सिंह, बस्तर शशांक चंद्राकर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तालाब के गहरीकरण में मिली प्राचीन मूर्ति, आपके जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीही ब्लॉक में एक तालाब है जिसका नाम है पचरिहा तालाब, या इसे देव तालाब के नाम से भी जानते हैं, आपके लखुर्री ग्राम में तालाब स्थित है। जांजगीर चांपा के बमनीडीही ब्लॉक के लखुर्री ग्राम के पचरिहा तालाब या देव तालाब में खुदाई के दौरान धातु निर्मित हाथी पर बैठे व्यक्ति की प्रतिमा मिली है। इसके साथ ही घोड़े पर बैठे तीर चलाते हुए व्यक्ति की प्रतिमा और भगवान गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई है। गांव में एक तालाब की खुदाई की जा रही थी और खुदाई के दौरान कुछ प्रतिमाएं मिली है, जैसे कि धातु की एक हाथी की प्रतिमा जिसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है। ये जो आपकी जो प्रतिमा है ना, इसके ऊपर थोड़ी सोने की परत भी चढ़ी हुई है, हाथी की प्रतिमा जिसके एक ही टांग है, बाकी सब टांग इसमें टूटे हुए हैं। एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर खड़े होकर के तीर चलाता हुआ दिख रहा है, और एक भगवान गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने ये शासकीय अधिकारी पुरातात्विक विभाग इनको जो है बताया कि हमारे क्षेत्र में ऐसी प्रतिमाएँ मिली है, लेकिन मिलने के बावजूद भी कोई भी सरकारी अधिकारी जा करके इसका निरीक्षण नहीं किए हैं। अभी वहीं पे समीप में एक मंदिर मौजूद है, उस मंदिर में रख करके इनकी पूजा अर्चना की जा रही है, तो इसलिए अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, लगा पाया गया है कि ये प्रतिमा किस काल में आपका इनका निर्माण हुआ है, ये प्रतिमा किस आपके काल से संबंधित है, कितनी पुरानी है। तो बस याद रखना, जांजगीर चांपा के बमनीडीह ब्लॉक में देव तालाब या पचरिया तालाब में धातु निर्मित हाथी की प्रतिमा जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक घोड़े के ऊपर खड़ा व्यक्ति जो कि तीर चलाता हुआ जिसमें आपका प्रतिमा है, जिसमें व्यक्ति तीर चला रहा है, और एक भगवान गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का द जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क आपने पहले कभी मूवी देखा होगा, जुरासिक पार्क डायनासोर से संबंधित, तो डायनासोर के जमाने के कुछ पौधे हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। बहुत पहले कभी एक बार मैंने करंट अफेयर में इसे कवर भी कराया था, फिर इस बार न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट में रहा। ये कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है आपके दंतेवाड़ा ज़िले में, दंतेवाड़ा ज़िले में बेलाडीला की पहाड़ी पर मौजूद है हरी घाटी और एक है तुलसी डोंगरी, ठीक है। हरी घाटी और तुलसी डोंगरी यहाँ पर मौजूद है आपके धरती का एक आदिम पौधा, आदिम यानी कि पुराने जमाने का, धरती का आदिम पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका क्या थेल्स। यह जुरासिक कालीन जीवित जीवाश्म है, जुरासिक कालीन यानी कि डायनासोर के जमाने का, 36 करोड़ साल पुराना पौधा है यह, 36 करोड़ साल पुराना, 36 करोड़ साल से आज भी ये जो आपके जीवित जीवाश्म मौजूद है जुरासिक काली, जुरासिक यानी कि डायनासोर के जमाने के, ठीक है। हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 1347 ट्री फर्न, ये जो पौधा है ना, ये पौधे को कहा जाता है ट्री फर्न पौधा मौजूद है, टोटल 1347 ट्री फर्न, ठीक। ये जो ट्री फर्न है, ये ट्री फर्न आपके लेप्टोसपोसेंगिएट प्रजाति के है,
ये जो प्रजाति है, इस प्रजाति के फर्न में जो है आपका जड़ होता है, तना होता है, पत्ता होता है, लेकिन इसमें फूल मौजूद नहीं होता। इस प्रजाति के पौधों में आपका तना होगा, जड़ होगा, पत्ता होगा, लेकिन फूल मौजूद नहीं होता। यहां पर आप इसका इमेज भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये है वो आपका पौधा, ये बेलाडिला की पहाड़ी पे मौजूद है, ठीक है। दावा किया जा रहा है कि यह क्षेत्र शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति का रहवास होगा पहले के समय में। ट्री फर्न की पत्तियों को खाकर वे इस जलप्रपात, यहीं पे समीप में एक जलप्रपात भी है, जलप्रपात के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। विशेष भारत में ट्री फर्न प्रजाति के पौधे केवल मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और छत्तीसगढ़ के बेलाडीला की पहाड़ी में ही मिले हैं। डायनासोर के जमाने के पौधे, पहले जो है ये पौधों की ऊंचाई काफ़ी रहती थी, अभी काफ़ी छोटे छोटे आकार में ये पौधे हैं जो कि शाकाहारी डायनासोर के भोजन हुआ करते थे। 36 करोड़ साल पुराने पौधे हैं, जुरासिक कालीन जीवित जीवाश्म मौजूद है। हमारे छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की पहाड़ी और तुलसी डोंगरी दंतेवाड़ा जिला में इसके 1347 ट्री फर्न मौजूद है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। एक आपके मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में और छत्तीसगढ़ के बेलाडीला की पहाड़ी में ही भारत में ये ट्री फर्न की प्रजाति के पौधे मिले हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मुरुम खुदाई के दौरान मिले कुछ चमकीले पत्थर। कवर्धा जिले के तीतरी ग्राम में एक जगह मनरेगा के तहत कहीं मुरुम खुदाई का कार्य चल रहा था, वहां पर सील लोढ़ा आकृति वाला पत्थर, सील लोढ़ा आकृति वाला पत्थर और एक चमकीला धातुई पत्थर प्राप्त हुआ है, ठीक है। सील लोढ़ा आकृति वाला पत्थर और एक चमकीला धातुई पत्थर प्राप्त हुआ है। सेम कंडीशन, कोई भी अधिकारी यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं, कोई पुरातात्विकविद यहाँ पर पहुँचा नहीं है। इस कारण से ये किस काल का है या ये जो धातु है ये कौन सी धातु है, इसका अनुमान नहीं लगाया गया है। साफ सभी को मालूम है, हीट वेव चल रहा है, जितने भी सरकारी अधिकारी है या तो वो अभी चुनाव ड्यूटी में लगे होंगे या फिर अपना वो इतने धूप में निकलना नहीं चाहते। तो अभी जैसे आप देख रहे, दो जगह भी खुदाई में कुछ प्राचीन प्रतिमाएं और कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं, तो इनका भी सटीक अनुमान नहीं लगाया गया है कि ये किस काल से संबंधित है या कितने पुराने हैं या ये वास्तविक तौर पर पुराने है भी या नहीं, ठीक है। जब तक इसका सही तरीके से परीक्षण नहीं किया जाएगा, इसकी कार्बन डेटिंग के तहत इसका जब तक कितने साल पुराना ये निकाला नहीं जाएगा, तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। अभी केवल स्थानीय ग्रामीणों को ये प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान और एक चमकीला धातु प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंडीप खोल गुफा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मंडीप खोल गुफा जो कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के छुई खदान में मौजूद है, यह गुफा मंडीप खोल गुफा वैशाख माह में साल में एक बार इस गुफा का दरवाजा खोला जाता है। साल में केवल एक दिन के लिए इस गुफा का दरवाजा खोला जाता है, वो भी वैशाख माह में। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को इस गुफा का दरवाजा खोला जाता है और इस गुफा के अंदर मौजूद है एक शिवलिंग, भगवान शिव की प्रतिमा, एक शिवलिंग मौजूद है यहां पर, ठीक। ये जो आपके शिवलिंग है इस मंडीप खोल गुफा के अंदर, इस ये जो शिवलिंग है ये कुल देवता है ठाकुर टोला राज परिवार का। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र ठाकुर टोला जमींदारी के अंतर्गत आता था, आज भी यहां पे उनका राज परिवार मौजूद है, ठाकुर टोला राज परिवार। ठाकुर टोला राज परिवार के कुल देवता है मंडीप खोल गुफा के शिवलिंग। तो अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार के दिन ठाकुर टोला राज परिवार गुफा का दरवाजा खोलते हैं, इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद आम जनता के दर्शन के लिए गुफा के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। केवल एक दिन के लिए गुफा का दरवाजा खुलता है, मंडीप खोल गुफा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। किस जिले में स्थित है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के छुई खदान के अंतर्गत आता है ये, ठीक। यहां पर एक छोटी नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है श्वेत गंगा और गुफा के अंदर उसका एक कुंड भी है, ठीक है, एक जलकुंड भी है। इसमें नहाने के बाद गुफा में प्रवेश कर शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। एक गुफा नुमा कुंड में नहाने के बाद, जिसे श्वेत गंगा की संज्ञा दी गई है, में नहाने के बाद गुफा में प्रवेश कर शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। विशेष गुफा में पहुंचने के लिए एक ही नदी को, यह श्वेत गंगा को, एक ही नदी को 16 बार पार करके लोग मंडीप खोल गुफा तक पहुंचते हैं।
और काफ़ी मान्यता है इस मंडीप खोल गुफा की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र के बहुत से लोग पहुंचते हैं इस गुफा में दर्शन के लिए। केवल एक दिन के लिए गुफा का द्वार खुलता है और काफ़ी मान्यता भी है। ठीक है, तो मंडीप खोल गुफा जो कि छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान, गढ़े जिले के छुई खदान में मौजूद है, अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को इस गुफा का द्वार खोला जाता है केवल एक दिन के लिए, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, ठाकुर टोला राज परिवार के कुल देवता है, जो कि अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार के दिन इन ठाकुर टोला राज परिवार से अनुमति लेकर के फिर ये राज परिवार जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। पूजा पाठ के पश्चात ये गुफा का द्वार आम जनता के लिए खोला जाता है। ठीक, ये है आपके मंडीप खोल गुफा। नेक्स्ट देखिए, करबा करबीन टीला, करबा करबीन टीला, अब ये है क्या? ये कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, एक आर्टिकल आया था तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी ये क्वेश्चन बन जाए। करबा करबीन टीला ये मौजूद है आपके महासमुंद जिले के सिरपुर में, महासमुंद जिले के सिरपुर, सिरपुर जो कि एक पुरातात्विक स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ का। हमारे प्रदेश में ये जो करबा करबीन है ये हिजड़ों को कहा जाता है, हिजड़ों थर्ड जेंडर, ठीक, हिजड़ों को कहा जाता है करबा करबीन। सिरपुर राजधानी में हिजड़ों के निवास की व्यवस्था आम रिहायश से पृथक रही होगी, यानी कि पहले के समय में जो सिरपुर, सिरपुर एक टाइम पर राजा महाराजाओं की राजधानी हुआ करती थी, तो सिरपुर राजधानी में हिजड़ों का जो निवास था वो, उनकी जो व्यवस्था थी वो आम नागरिक से, आम जनता की जो उनकी आबादी थी उनके रिहायश से पृथक, अलग सलग उनके रहने की व्यवस्था थी पहले के समय में। और उनके, उनका ये जो आपका जो टीला है यहाँ पर मौजूद है एक करबीन तालाब, ठीक है, एक करबीन तालाब भी मौजूद है। विशेष, यह टीला सिरपुर राजधानी के मुख्य प्रवेश द्वार पर सेनक पाट के समीप था, इसीलिए इन्हें राज्य तिथियों के स्वागत के लिए बसाया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सिरपुर में एक जो है टीला आज की डेट में एक भग्नावेश अवस्था में मौजूद है, यानी कि टूटे फूटे अवस्था में मौजूद है। ये इसका नाम है आपका करबा करबीन का टीला। हमारे छत्तीसगढ़ में करबा करबीन हिजड़ों को, यानी कि थर्ड जेंडर को कहा जाता है। और इनके टीले के समीप यहाँ पर एक तालाब भी है, करबीन टीला, करबीन तालाब। ये जो आपका जो हिजड़ों के जो रहने की व्यवस्था थी, करबा करबीन के जो रहने की व्यवस्था थी, वो राजधानी में जो आम, आम जो रिहायश थे, यानी कि आम जो रहवासी थे, उनसे अलग थलग उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। और उनकी जो रहने की व्यवस्था थी वो राजधानी के मुख्य द्वार पर एक सेनक पाट था, ठीक है, सेनक पाट के समीप उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, ताकि कोई भी राज्य अतिथि सिरपुर राजधानी में प्रवेश करे तो उनका वे स्वागत करे, उनके स्वागत के लिए उन्हें अलग सलग बसाया गया था। तो ये है आपका करबा करबीन का टीला, कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके महासमुंद जिले के सिरपुर में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक पुस्तक, बस्तर की जंगल गाथा, एक था चेंद्रू, ठीक, द स्टोरी ऑफ टाइगर बॉय, एक था चेंद्रू, बस्तर की जंगल की गाथा एक पुस्तक। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक एक अनुवाद है, स्वीडिश किताब चेंद्रू दी बॉयस एंड दी टाइगर का हिंदी अनुवाद है। एक स्वीडिश पुस्तक है, स्वीडन की जो एक पुस्तक है, चेंद्रू दी बॉय एंड दी टाइगर का यह हिंदी अनुवाद है। और यह अनुवाद किया गया है रुद्र नारायण पाणिग्रही जी के द्वारा, रुद्र नारायण पाणिग्रही जी के द्वारा। वर्ष 1957 में स्वीडिश फिल्मकार ने चेंद्रू और उसका पालतू बाघ, उसके पालतू बाघ का नाम था तेंबू, चेंद्रू और उसके पालतू बाघ तेंबू को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द जंगल सागा। यह फिल्म 9 भाषाओं में रिलीज की गई थी, ठीक है। और स्वीडिश के जो स्वीडन की ही जो एक पुस्तक है, एक स्वीडिश किताब है जिसका नाम है चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है किनके द्वारा? रुद्र नारायण पाणिग्रही जी के द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वीडिश में इस किताब का नाम क्या है? चेद्रू द बॉय एंड द टाइगर, ये भी याद रखना है। हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है एक था चेंद्रू, ठीक, बस्तर की जंगल गाथा। अनुवादक का नाम क्या है? रुद्र नारायण पाणिग्रही। नेक्स्ट देखिए, सप्त मातृका प्रतिमा। ये जो सप्त मातृका प्रतिमा है ये मौजूद है बीजापुर जिले के कोतुलनार ग्राम में, बीजापुर जिले के कोतुलनार ग्राम में मौजूद है सप्त
मातृका प्रतिमा, सप्तमातृका, सात माताओं की प्रतिमा, ठीक है। देखिए लाइन से मौजूद है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात माताओं की प्रतिमा, जो कि वर्ष 1920 में इस बीजापुर में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है मरी नदी। मरी नदी के तट पर रेत में दबी हुई अवस्था में मिली थी ये प्रतिमा, जो कि शाक्त संप्रदाय यानी कि जो शक्ति, शक्ति यानी कि दुर्गा माता, शाक्त संप्रदाय से संबंधित है ये प्रतिमा। ये जो प्रतिमा है ये छिंदक नागवंशीय कालीन है, यानी कि 12वीं सदी में छिंदक नागवंशीय काल में ये प्रतिमा का निर्माण हुआ होगा संभवतः। उपनाम क्या है, ये जो प्रतिमा है इस प्रतिमा का उपनाम है सप्त मातृका, उसके अलावा सप्त तोरण मातृका, सप्त बहिनिया मातृका, सत रूपा मातृका, ये इनका नाम है, ठीक है। जो सप्त मातृका में जो सात देवियां हैं उनका नाम क्या क्या है, ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही और आपके चामुंडा, ये सात माताओं के नाम हैं। छिंदक नागवंशीय कालीन सप्त मातृका की एक अन्य प्रतिमा इंजराम ग्राम सुकमा में भी स्थित है, ठीक है। सेम ये जो सप्त मातृका की जो प्रतिमा है ये इंजराम, इंजराम ग्राम सुकमा जिले में भी स्थित है, ठीक। तो इसे याद रखना, बीजापुर जिले में स्थित है सप्त मातृका की प्रतिमा जो कि मरी नदी के तट पर वर्ष 1920 में मिला था। ये अभी इस बार न्यूज़ आर्टिकल में इसलिए आया क्योंकि ये अभी तक जो है इसको संरक्षित नहीं किया गया है। प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है, 12वीं सदी की प्रतिमा है छिंदक नागवंशीय कालीन, लेकिन इसे अभी तक सुरक्षित संरक्षित नहीं किया गया है। खुले आसमान में एक पेड़ के नीचे ये प्रतिमा विराजित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कठोरी पर्व। अब ये कठोरी पर्व क्या है, कठोरी पर्व मुख्य रूप से सरगुजा संभाग, अगर जिला पूछा गया तो सूरजपुर जिले में, ठीक है। देखिए अगर क्षेत्र पूछा जाएगा कठोरी पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है तो आपका एक आंसर होगा सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र यानी कि सरगुजा संभाग। अगर पर्टिकुलरली जिला पूछा जाएगा तो सरगुजा, आपके सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में इस कठोरी पर्व का आयोजन होता है, ठीक। इस कठोरी पर्व में देखिए कठोरी पूजा अर्थात कठोर भूमि, जहां पर हल न चलाया जाता हो यानी कि देव भूमि, देव स्थान की पूजा की जाती है। इसमें देव स्थान की पूजा की जाती है और इसमें विशेष पूजन किया जाता है धान हल में लगने वाले लोहे के साथ हल चलाते समय बैलों को हाँकने वाला पैना, इसकी पूजा की जाती है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो किसान जो हल चलाते हैं तो इस हल में नीचे तरफ यहां पर एक लोहा लगा होता है, ठीक है। जमीन को जोतने के लिए यहां पर लोहा लगा रहता है और बैलों को आगे बढ़ाने के लिए, मारने के लिए जो एक रस्सी होती है, इस रस्सी को कहा गया है आपका पैना, ठीक। तो धान हल में लगने वाले लोहे के साथ हल चलाते समय बैलों को हाँकने वाला पैना की इसमें पूजा की जाती है। क्यों, ये जो आपका पर्व है ये धान बोवाई कर अच्छे फसल की कामना के लिए इस पर्व का आयोजन किया जाता है। पूजा स्थल पर 5-5 मुट्ठी धान बोकर खेती की शुरुआत की जाती है। जो आपका एक जो बांस का बना हुआ टोकनी, थोड़ा सा बड़े साइज का टोकनी जिसे मोरा कहते हैं, उसमें 5-5 मुट्ठी जो है वो अपने धान लेकर के आते हैं बीज, और जहां पे आपका देव स्थान, देव स्थान पर उस 5-5 मुट्ठी को, उस 5-5 मुट्ठी धान को बोकर के खेती की शुरुआत करते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट याद रखना, कठोरी पर्व के दिन ग्रामीण कुआं, तालाब, नल, हैंडपंप व अन्य जलाशयों से पानी नहीं भरते, ठीक है। ये जो है इस दिन किसी भी आपके गांव के कुआं, तालाब, नल, हैंडपंप व अन्य जलाशय से पानी भरने की मनाही होती है। इसके लिए क्या करते हैं, जिस दिन कठोरी पर्व मनाया जाएगा उसके एक दिन पहले ही वे सभी पानी एकत्र करके रख लेते हैं, और साथ ही कठोरी के दिन तक जमीन की खुदाई भी नहीं की जाती, पृथ्वी माता और वरुण देवता की अवमानना समझा जाता है। यानी कि इस दिन अगर जमीन की खुदाई की जाएगी तो पृथ्वी देवी की अवमानना होगी, या फिर कुआं, तालाब, नल, हैंडपंप या अन्य जलाशयों के पानी का उपयोग किया जाएगा तो वरुण देवता का अवमानना माना जाता है, ठीक है। तो कठोरी पर्व का आयोजन कहाँ होता है पूछा जाएगा तो सरगुजा संभाग में, किस जिले में तो सूरजपुर जिले में, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका लोहा और ये आपका पैना, इसकी पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोंडा मुखिया प्रतिमा, डोंडा
मुखिया प्रतिमा जो कि मौजूद है कोंडागांव जिले के भोंगापाल में लसुरा नदी के किनारे मौजूद है। डोंडा मुखिया प्रतिमा वास्तव में 6वीं सदी की भगवान बुद्ध की दुर्लभ प्रतिमा है। ये जो है ये आपके भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की यह दुर्लभ प्रतिमा है जिसे स्थानीय ग्रामीण डोंडा मुखिया या डोकरा बाबा के नाम से पूजते हैं। ये जो है आपके गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, 6वीं सदी की गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण इसे डोंडा मुखिया या डोकरा बाबा के नाम से इन्हें पूजते हैं, स्थानीय देवता। मान्यता क्या है? पत्थर की इस प्रतिमा के शरीर का चूर्ण किसी को खिलाया जाए तो व्यक्ति चूर्ण खिलाने वाले के वश में हो जाता है, वशीकरण से संबंधित है। एक अंधविश्वास इस क्षेत्र में व्याप्त है कि ये जो प्रतिमा है इस प्रतिमा को खरोच करके इसका चूर्ण एकत्र किया जाएगा और जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना है उस व्यक्ति को खाने में मिला करके खिला दे तो सामने वाला व्यक्ति खिलाने वाले व्यक्ति के वश में आ जाएगा। ऐसा अंधविश्वास व्याप्त है इस क्षेत्र में, इस कारण से ये प्रतिमा काफी उपेक्षित हो रही है। लोग यहां पर धारदार हथियार और चक्कू कुल्हाड़ी टंगिया आदि ला करके इस प्रतिमा को खरोच के देखेंगे तो नाक गायब है इस प्रतिमा का, खरोच करके इसका चूर्ण निकाल करके ले जा रहे हैं वशीकरण करने के लिए। ठीक है, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं ना, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में ऐसी काफी मान्यता है तो बहुत से लोग इस प्रतिमा को खरोच करके चूर्ण निकाल करके ले जाते हैं वशीकरण के लिए। विशेष, भोंगापाल में सन 1990-91 में टीले की खुदाई में चैत्य गृह प्रकाश में आया था, यानी कि ये जो आपकी प्रतिमा है ये एक चैत्य गृह में विराजित है। चैत्य गृह जो कि आपके बौद्ध धर्म का पूजा गृह है, पूजा स्थान होता है, तो वहां पर एक चैत्य गृह है जो कि वर्ष 1990-91 में टीले की खुदाई के समय यह प्रकाश में आया था। बस्तर में एकमात्र यही स्थल ऐसा है जहां पर ईंट निर्मित चैत्य गृह है और इस चैत्य गृह में भगवान बुद्ध की 6वीं सदी की प्रतिमा मौजूद है जिसे स्थानीय डोडा मुखिया या डोकरा बाबा के रूप में पूजते हैं। ठीक, तो इनका नाम भी, इस जगह के नाम को भी याद रखिएगा। डोडा मुखिया किस क्षेत्र से संबंधित है तो आपके कोंडागांव जिले के भोंगापाल में स्थित है आपके डोकरा बाबा या डोडा मुखिया की प्रतिमा जो कि वास्तव में गौतम बुद्ध की दुर्लभ प्रतिमा है 6वीं सदी की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ विविध है, कुछ मिसलेनियस है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी जो आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता के कारण कोई भी नई योजनाएं नहीं आ सकती, इस कारण से बहुत ही सीमित तथ्य थे इस बार मई महीने के करंट अफेयर बताने के लिए, कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं थे। कुछ आर्टिकल आए पहले के समय के, जैसे आपका ये डोडा, ये जो आपका हमने अभी ये देखा ना डोडा मुखिया और आपका डोकरा बाबा, ये भी बहुत पहले का आर्टिकल था, ये बहुत समय से मौजूद है, लेकिन बीच बीच में किसी न किसी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आते रहते हैं। सप्तमातृका मंदिर या सप्तमातृका माता की प्रतिमा या आपका डोडा मुखिया की प्रतिमा, ये बीच बीच में आर्टिकल में आते रहते हैं तो उसे कवर कराया गया। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली मई महीने में पढ़ने के लिए केवल दो ही करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट था, एक आपका वो CCPL, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, और एक आपका भिलाई स्टील प्लांट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट, बस ये दो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिसलेनियस में देखिए, शहद प्रोसेसिंग यूनिट किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो शहद प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है आपके कवर्धा जिले में। वन भैंसों की सबसे शुद्ध नस्ल कहाँ पाई जाती है पूछा जाएगा तो वन भैंसों की सबसे शुद्ध नस्ल बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसे की सबसे शुद्ध नस्ल मौजूद है। ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन जल शक्ति, ये दोनों के दोनों आपके नक्सल ऑपरेशन है। क्या है? नक्सल ऑपरेशन है। बीजापुर के पीड़िया क्षेत्र में जवानों के द्वारा चलाया गया नक्सल ऑपरेशन जिसमें 12 नक्सली ढेर किए गए थे, वैसे ही नारायणपुर बीजापुर की सीमा क्षेत्र में चलाया गया एक नक्सल ऑपरेशन जिसका नाम है जल शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति जिसमें सूर्य की पहली किरण के साथ जवान जो है लगभग 1200 जवान ये नक्सलाइड अपने नक्सल ऑपरेशन में निकले थे सूरज की पहली किरण के साथ, और शाम होते तक लगभग 12 नक्सली उन्होंने ढेर किया था।
वैसे ही ऑपरेशन जल शक्ति, इसमें ये जो आपका नारायणपुर बीजापुर का जो सीमा क्षेत्र है वो एक पानी वाले क्षेत्र में, पानी को पार करके पानी के आसपास के क्षेत्र में जहां पर नक्सलियों की बसाहट थी वहां पर जाकर के ऑपरेशन चलाया गया, इसलिए इसका नाम था ऑपरेशन जल शक्ति। तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति और ऑपरेशन जल शक्ति दोनों के दोनों नक्सली ऑपरेशन है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, नक्सल ऑपरेशन, जवानों के द्वारा चलाया गया नक्सल ऑपरेशन है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। दुर्लभ हिल गीको छिपकली, जो दुर्लभ हिल गीको छिपकली है ना, ये मालाबार तट में मिलती है, हमारे प्रदेश में कोरबा जिले के चैतुरगढ़ में यह दुर्लभ छिपकली देखी गई। 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कोंडागांव जिले के केशकाल में 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात स्थित है। उसके बाद दाल धोवा जलप्रपात किस जिले में है पूछा जाएगा, तो दाल धोवा जलप्रपात रायगढ़ जिले में स्थित है। हाल ही में हमारे प्रदेश में सफेद भालू देखा गया है आपके चिरमिरी वाले क्षेत्र में, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी वाले क्षेत्र में। देखिए हमारे प्रदेश में ना सफेद भालू एक आपका दिखता है मरवाही में, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के मरवाही में आपके सफेद भालू देखा गया है, ठीक, वहां पे जामवंत परियोजना भी चलती है भालू संरक्षण के उद्देश्य से। और जो सफेद भालू की विशेषता है, ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे स्थानों पे, बर्फ वाले स्थानों में ये सफेद भालू देखने के लिए मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ के दो स्थान में, मरवाही और चिरमिरी में, मरवाही में बहुत पहले से ही आपके सफेद भालू मौजूद है, चिरमिरी में अभी हाल ही में ये सफेद भालू देखा गया। गर्मी का मौसम है, जंगलों का पानी सूख चुका है, रहवास एरिया में ये सफेद भालू पानी की तलाश में पहुंचे थे, ठीक। बस्तर की परंपरागत साड़ी जिसका नाम है सोना मनी साड़ी, जिसे पनका साड़ी भी कहा जाता है, पनका जाति के द्वारा साड़ी बनाया जाता है इसलिए इसका नाम पनका साड़ी है। अभी जो बस्तर जो है, बस्तर और क्षेत्र के लोग इसे GI टैग दिलाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। एक परंपरागत बस्तर की परंपरागत साड़ी है जिसका नाम है सोना मनी साड़ी, एक साड़ी की कीमत लगभग 10,000 रुपये तक रहती है, हाथों से इसका निर्माण किया जाता है, एक साड़ी के बनने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है कंप्लीट प्रोसेसिंग में, ठीक। प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय ये मौजूद है आपके बालोद जिले में, अभी हाल ही में जो है आपके संग्रहालय दिवस मनाया गया था जिसमें एक आर्टिकल आया था कि हमारे प्रदेश का पहला संग्रहालय जो कि बालोद में स्थित है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कभी से क्वेश्चन बन जाए कि प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो बालोद में मौजूद है। वीणा बजाते हुए नारद की दुर्लभ प्रतिमा, ठीक है, नारद मुनि आपने तो कभी ना कभी कोई पौराणिक सीरियल तो देखा ही होगा, उसमें एक कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर है नारद मुनि, ठीक है, उस समय के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान खबर पहुंचाने का कार्य करते थे नारायण नारायण कहते हुए, तो हमारे वीणा बजाते हुए नारायण की दुर्लभ प्रतिमा ये मौजूद है आपके बस्तर के खालहेपारा में, खालहेपारा जो कि चित्रकूट जलप्रपात के समीप ही मौजूद है। प्रति रविवार यानी कि हर रविवार को सुबह इन नारद की प्रतिमा की पूजा भी होती है यहाँ पे, ठीक। राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ये स्थापित किया जा रहा है आपके रायपुर जिले में, और इस आपके ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नाम रखा गया है आपके शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम, ठीक, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है कवर्धा जिले में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कवर्धा जिले में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है हाफ नदी, ठीक है, हाफ नदी जो कि शिवनाथ की एक सहायक नदी है, इसका उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी, कवर्धा जिले के मैकाल पर्वत श्रेणी के पंडरी पानी एवं दलदली के बीच से इसका उद्गम होता है, ठीक। नलवंशीय कालीन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एवं प्राचीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा ये मौजूद है आपके टेमरा ग्राम चित्रकोट बस्तर में, हमारे छत्तीसगढ़ में गजलक्ष्मी की प्रतिमा, गजलक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी माता जो कि हाथी के ऊपर विराजमान है, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो कि हाथी के ऊपर विराजित है, तो और ये जो प्रतिमा है ये नलवंशीकालीन है, हमारे छत्तीसगढ़ में एक टाइम पर नलवंशों का शासक था, नलवंशीकालीन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एवं प्राचीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ पर है पूछा जाए, तो बस्तर जिले के टेमरा ग्राम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, बस्तर में स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एवं प्राचीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा किस काल से संबंधित है, तो नलवंश या नल काल से संबंधित है ये प्रतिमा, ठीक है। तो मई माह के करंट अफेयर बताने के लिए इतना ही, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।